और सबसे पहली बात देखो, हमने तो 9 इंच भी लगाया है, 10.38 इंच भी लगाया है, आज हमने 12.3 इंच भी लगा दिया। अरे भाई, सबसे बड़ी तीनों का लगा दिया, ये 12.3 इंच है। तो भाई ये देख सकते हो आप, 12.3 इंच का रहने वाला है इसके साथ ही। भाई ये देख सकते हो, सुभाष भाई ने यहाँ से की प्रेस करी है और ये प्रॉपर अपने फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं और ये हॉन्क भी कर रहे हैं, पता चल जाएगा आपकी गाड़ी कहाँ पे अवेलेबल है। आपने वो क्रूज वगैरह का जो भी इंस्टॉलेशन करवाया, फुल सेटिस्फाई हो आप? हाँ, वो भी एक रीजन था सेल्टोस लेने का, कि मेरे को क्रूज चाहिए था, तो फिर मैंने बेस मॉडल में क्रूज लगवा दी। स्टीयरिंग आपका कवर हुआ है, जिगजैग वाला, इसका आप देख सकते हो क्वालिटी चेक करो, स्टिचिंग वगैरह प्रॉपर है। स्टीयरिंग कंट्रोल किया जेन्युइन, अच्छा किया जेन्युइन, कंट्रोल भी लगा, क्रूज कंट्रोल भी किया जेन्युइन आपका, और ये वाली प्रॉपर वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है भैया, सब चीज वर्किंग है। ये देखो, आपको वर्किंग भी करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे आप चेक करो बैक कैमरे की क्वालिटी, नाइट का टाइम है और प्रॉपर आपको रिस्पांस पता चल जाएगा जैसा कस्टमर डिमांड करता है, जैसे आपको वैसे हो जाता है। हैंड टू हैंड 4-5 घंटे में आपको कंप्लीट मिल जाता है, 5 घंटे में सीट कवर भी लगता है, सिल्वर सा नेक रेस्ट भी फ्री देते हैं। क्या बात, सिल्वर सा नेक रेस्ट भी फ्री है। वेलकम टू सुभाष कार स्टूडियो, और आज मिलेंगे सुभाष भैया से। कैसे सुभाष भैया? बढ़िया भैया जी, क्या कर रहे हैं आज भैया? दोनों सेल्टोस आपका, कितनी सेल्टोस कर दिया आज? आज हमने 3 करी है भैया, 3 करी है, चली गई है। अच्छा, बेस मॉडल थी, एचटी मॉडल थी तीनों। अच्छा, बता दिए फिर क्या क्या काम कर रहे हैं भैया? ऑलमोस्ट सारा काम है इसमें, आपका मिरर छोड़ के सारा काम है, सीट कवर नहीं, इसमें ऑलमोस्ट सारा बेस टॉप वाला काम है, बिल्कुल टॉप का। इसमें आपका देखो, सेट प्रोफाइल में हमने पहले इसमें डोर वाइजर्स, लोअर गार्निश, हैंडल क्रोम्स, आपका साइड बिडिंग, ठीक है, स्पॉयलर्स, ये बेसिकली साइड में सारे क्रोम के आइटम लगा दिए, पीछे स्पॉयलर, रूफ रेल्स, बैक कैमरा, ठीक है, फ्रंट आपकी एलईडी। एलईडी कितने वाट की रहने वाली है? एलईडी 220 वाट की है भैया। ये देखिए रिस्पॉन्स इसका, भाई ये देख सकते हो सामने पूरा अंधेरा है और आपको अंदाजा मिल जाएगा, हालांकि गाड़ी थोड़ी ऊपर नीचे खड़ी है, लेकिन आईडिया आपको प्रॉपर मिल जाएगा किस तरीके से बीम कर रही है। 230 वाट की है, 220 वाट की है। उसके बाद आपकी गारंटी वारंटी क्या रहेगी? 2 साल की भैया गारंटी है, 2 साल की है। इनर इंटेलियम आया आपका, पूरा डैम्पिंग हो रखी है भैया। तो भाई आप देख सकते हो अपनी डैम्पिंग का काम प्रॉपर हो रहा है, यूनो मिंडा। उसके बाद हर्ट्ज की आपकी वो है कंपोनेंट्स, पीछे को एक्सल है, ठीक है, पूरा इंटीरियर है आपका भैया। सीट कवर चेक करो भाई, तो भैया अल्टीमेट है सीट कवर, तो कोई कम कहने की बात ही नहीं, बिल्कुल। स्टीयरिंग कवर है, डैशबोर्ड है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स है। तो भाई यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, पूरी गाड़ी जो है वो प्रीमियम लग रही है इस वाले लुक के साथ, बल कंपनी का भी जो फेल है वो इंटीरियर है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कंपनी भैया, सीट कवर तो हमारे साथ बढ़िया कोई है ही नहीं। चलो, उसके बाद फ्लोरिंग है बिल्कुल आपका, नीचे फ्लोरिंग आपकी डाई वाली रहने वाली है, डाई वाली है, कौन सी डाई वाली भैया? कोको डाई वाली है फ्लोरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कोको डाई वाली है, अंदर टक्कर के लगा रखी है, एंड यहाँ पे सेम लेदर जो है वो आमरेस्ट पे भी लगाया है, आमरेस्ट पे लगा, एम्बियंस लाइट आपका K4 10 पीस K4 है, मल्टी कलर वाली है। और सबसे पहली बात देखो, हमने तो 9 इंच भी लगाया है, 10.38 इंच भी लगाया है, आज हमने 12.3 इंच भी लगा दिया। अरे भाई, सबसे बड़ी तीनों का लगा दिया, ये 12.3 इंच है। तो भाई ये देख सकते हो आप, 12.3 इंच का रहने वाला है, इसके साथ ये प्रॉपर सिंक कर रहा है और ये डैप्स कंपनी का रहने वाला है। क्या क्या चला सकते हैं इसके अंदर? इसका सब चीज अभी 4/32 है, सब चीज इसके अंदर, कार जो पॉसिबल होता है सब चलेगा, सब चीज चलेगा, मल्टीमीडिया जो चलाना है, कैमरा वैमरा सब चलेगा, और यही सारी चीजें इंटीरियर में रहने वाली है। एक बार इसके गजब, इसके पीछे से लुक देखो आप भाई, आप इंटीरियर चेक करो, बताओ सुभाष भाई इंटीरियर में देखो भैया क्या गजब की लुक आ रहा है इसकी, सीट कवर, सीट कवर चेक, और जो इसका डोर पैनल भी हुआ है वो भी आप देखो सेम कलर का है। ये यहाँ पे चेक करो आप, इसकी फिनिशिंग चेक कर रहे हो, प्रॉपर थ्रेडिंग वगैरह जो है, कहीं से भी अनफिनिश नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा बाहर से कराया नहीं, वो काम नहीं होगा, कंपनी वाला आइटम कंपनी भी नहीं होगी, कंपनी से ऊपर ही होगा, कंपनी नीचे नहीं होगा, ठीक है। और पीछे क्या क्या गुंजाइश है उसमें भैया? बैक कैमरा है, साइड मिरर फोल्डेबल है, अच्छा साइड मिरर भी चेंज है, ओआरवीएम भी चेंज है, वो भी जेन्युइन मिरर है, और जेन्युइन स्विच के साथ भी है सब चीज़। अच्छा, ये सारी चीज़ें सब चीज़ें जेन्युइन है, ठीक है। एक बार इसकी भी जो लुक है वो ले लेंगे, और बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो उस तरीके से रहने वाली है। सीट कवर अगेन आप एक बार देख लो, हेडरेस्ट अभी निकले हुए हैं, और इस तरीके से प्रॉपर, अगर किसी को कस्टमाइज चाहिए वो भी कस्टमाइज करके ही लगाते हैं भैया। अच्छा, जैसा कस्टमर डिमांड करता है आपको वैसे हो जाता है, हैंड टू हैंड 4-5 घंटे में आपको कंप्लीट मिल जाता है, 5 घंटे में। सीट कवर भी लगता है, सिल्वर सा नेक रेस्ट भी फ्री देते हैं। क्या बात, सिल्वर सा नेक रेस्ट भी फ्री है। चलो भाई, ये आपको सुभाष कार स्टूडियो पे ये सारी डैशबोर्ड भी देखो आपका सेम उसी इंटीरियर में किया गया है, इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो, पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हो रखा है, चलेगा एकदम की है नहीं लगा कर दिया है, बिल्कुल, और कुछ अलग सा ही लगा कर दिया। इसका टच रिस्पांस चेक करो ना भैया, 4/32 है भैया, 12.3 चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत सैमसंग की 10 इंच नहीं है, सैमसंग की ओलेड स्क्रीन जैसी होती है उस तरीके से ये रियल लाइफ में लग रहा है, और प्रॉपर फ्रेम के साथ लगाया हुआ है। एक बार बैक कैमरा भी दिखाई दोगे तो बढ़िया रहेगा। तो भाई यहाँ पे आप चेक करो बैक कैमरे की क्वालिटी, नाइट का टाइम है और प्रॉपर आपको रिस्पांस पता चल जाएगा, पीछे अपने भाई बंधु खड़े हैं सारे,
तो ये सब रहने वाला है। अगर किसी को 360 चाहिए वो भी अवेलेबल, वो भी अवेलेबल, वो भी हो जाएगा। ये भी आपने, हमने टॉप मॉडल वाले लगाए गियर नॉब, तो गियर नॉब बेस्ट मॉडल आते हैं, हमने भी टॉप मॉडल वाले लगाए गियर नॉब, आपको ये पता चल जाएगा जेन्युइन आपकी कंपनी की। उस पर लेदर लगा रखे हैं, इंटीरियर में ये सारी चीजें हैं, इंटीरियर में सारी है, डैम्पिंग हुई थी आपका सारा काम अंदर, रूफ लाइट के बल्ब वाल व्हाइट है भैया सारा, ये आप देख सकते हो बल्ब भी व्हाइट कर दिया। हेडलाइट में आपके कस्टमाइजिंग देखो आप सारी, ये और की एलईडीज इसमें, फॉग भी बदले हो आप? नहीं फॉग तो भैया अपने में अवेलेबल है, कस्टमर की डिमांड नहीं थी। अच्छा, मेन साइड मिरर मैंने लॉक अनलॉक करके आपको दिखा देता हूं साइड मिरर। तो बेसिकली ये चाबी से ही अपने फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया करो भाई, ये देख सकते हो सुभाष भाई ने यहां से की प्रेस करी है और ये प्रॉपर अपने फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं और ये हॉन्क भी कर रहे हैं, पता चल जाएगा आपकी गाड़ी कहाँ पे अवेलेबल है उस तरीके से। ये सारे इस वाली गाड़ी में काम रहने वाले, आप एक बार इस गाड़ी को देखते हैं भाई। आपने एक सेल्टोस देख ली, दूसरी सेल्टोस है सुभाष भाई, बताओ दूसरे सेल्टोस इसमें हमने एलईडी लगाई है, यहाँ पे आप चेक करो, इसमें 220 वाट की एलईडी है भैया, अंदर पार्किंग वाले इंस्टॉल हुए हैं। ठीक है भैया, साइड भी अवेलेबल है, फोक में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद साइड प्रोफाइल में रेन वाइजर्स लगाए हैं। ठीक है, लोअर गार्निश है, साइड बिडिंग नहीं लगवाए, हैंडल कॉम नहीं लगवाए इन्होंने। ठीक है भैया, ऊपर स्पॉइलर अभी इंस्टॉल ही कर रहे हैं, यहाँ पे रूफ रेल से, रूफ रेल अपने स्पॉइलर इंस्टॉल हो गया, एलईओ के रहने वाले हैं प्रॉपर, स्टॉल हो गया, इसमें लोअर गार्निश भी इंस्टॉल करे हैं। अंदर आपका देखो, इसमें हमने स्टीयरिंग रैप, ठीक है, स्टीयरिंग कंट्रोल किया जेन्युइन, अच्छा किया जेन्युइन, क्रूज कंट्रोल भी किया जेन्युइन आपका, नई वाली प्रॉपर वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है भैया, सब चीज़ वर्किंग है। ये देखो आपको वर्किंग भी करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूज कंट्रोल ऑन हो गया। ठीक है भैया, इसमें सीट वगैरह काम नहीं हुआ है, आपका डंपिंग हुई है दरवाजों पे, यूनोविंडो की डंपिंग, चारों डोर में आपका स्पीकर्स लगे हैं। कौन सा है स्पीकर? स्पीकर आपका ये इसमें है, उसका टाटा की जेन्युइन है। अच्छा हाँ, इसमें उन्होंने बोला टाटा जेन्युइन चाहिए, उन्होंने टाटा जेन्युइन टाटा का चाहिए, तो टाटा है, वैसे जोन सा ब्रांड चाहिए वो अवेलेबल हो जाता है अपने पास। उसके बाद हमने इसमें 432 विद ऑक्टा कोर, अच्छा फोन कोड का आपने, हमने स्क्रीन लगाई है, बैक कैमरा लगाया है, इसमें भी कार प्ले और सब कुछ चलेगा, आप सब चीजें 2Z, इसमें आपका एम्पलीफायर भी इंस्टॉल है, वूफर भी इंस्टॉल है, तो इसकी साउंड क्वालिटी भी चेक करेंगे, साउंड क्वालिटी आप चेक कर लेना, और इसमें आउटपुट आपका जो है वो निकल जाएगा। बाकी गियर नॉब भी लगवा, गियर नॉब अभी नहीं लगाया है, गियर नॉब वाले ब्रांड में हमने दिखा दिया है, गाड़ी स्टीयरिंग आपका कवर हुआ है, दिख जाएगा वाला, इसका आप देख सकते हो क्वालिटी चेक करो, स्टिचिंग वगैरह प्रॉपर रहने वाली है, फुल स्पोर्टी साइड पे ही रहने वाला है, अंदर तो और कोई काम नहीं है, अंदर और कोई काम नहीं है, यही सब चीजें हैं। आप सीट कवर लगवा सकते हो, आप ये भी लगवा सकते हो, मिरर है, ये है एम्बियंस लाइट है, बहुत चीज़ है, ये सब हमने उस वाली गाड़ी में दिखा दिया है ऑलरेडी। बाकी भाई एक बार रियर लुक चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपका ये जो ये आता है शार्क फिन एंटीना एंड ये स्पॉइलर है, ये भी अलग से इंस्टॉल हो रखा है, स्क्रीन लुक भी आप चेक कर सकते हो किस तरीके से आपका रहने वाला है। एंड रियर लुक तो आप देख ही सकते हो, ऐसे कोई मेजर काम हुआ नहीं है, आई थिंक वो जो कनेक्टेड वाली टेल लाइट है वो भी अपने पास अवेलेबल हो जाती है, अगर आपको वो टॉप मॉडल वाली चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। एंड फ्रंट से कुछ ऐसा सा रिस्पांस आ रहा है, तो भाई एक बार ओनर से मिलेंगे एंड काम के बारे में फीडबैक लेंगे, तो भाई नाम बताइए अपने एक बार। मेरा नाम दुष्यंत है भाई। कहाँ से आए थे भाई? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से? हाँ। तो कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस सुभाष कार स्टूडियो में? ओवरऑल एक्सपीरियंस भाई बढ़िया है, मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट थी सारी फुलफिल हो गई। हाँ, रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल हो गई, जो जो काम मुझे करवाना था बढ़िया से हो गया। और वेरिएंट कौन सा एक बार और ये बता दो आप? ये भाई बेस मॉडल है सेल्टोस IMT डीजल। अच्छा, ये IMT मतलब डीजल का HT वेरिएंट है ना? आई थिंक अब तो ये IMT लेकर आ गए हैं, मैनुअल था पहले। तो ओवरऑल एक गाड़ी का भी रिस्पॉन्स बता दो आप इसी में, कि गाड़ी चलने में जितनी भी चलाई है, हालांकि नई गाड़ी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? भाई गाड़ी की तो स्टोरी बहुत ऐसी है, क्योंकि इससे पहले मैं स्कॉर्पियन लेने गया था, बट वेटिंग की वजह से मैं वो ले नहीं पाया, मुझे अर्जेंट गाड़ी चाहिए थी। अच्छा, तो पूरे मार्केट छानने के बाद एक सेल्टोस ऐसी गाड़ी थी जिसमें मेरे को स्कॉर्पियो के बाद मज़ा आया। अच्छा हाँ यार, प्रीमियम साइट पे वैसे थे। हाँ, तो फिर मैंने सेल्टोस लिया। हाँ, तो बाकी आपने वो क्रूज वगैरह का जो भी इंस्टॉलेशन करवाया उससे फुल सेटिस्फाई हो आप? हाँ, वो भी एक रीज़न था सेल्टोस लेने का, कि मेरे को क्रूज चाहिए था, तो फिर मैंने बेस मॉडल में क्रूज लगवा दिया, अभी चल भी रहा। तो भाइयों को अगर जो भी देख रहे हैं उनको फुल रिकमेंड है, आप लगवा सकते हो यहाँ से। भाई बिल्कुल लगवाओ यार, बिल्कुल लगवाओ, बहुत सही से काम करती है सारी चीज़ें, और सारा पार्ट अवेलेबल जो आपको चाहिए था मिल गया ना? सब मिल गया भाई, सब मिल गया, बढ़िया काम करा सुभाष भाई ने। बाकी आप 10 में से कुछ नंबर दे दो एक। 10 में से 10 देंगे भाई, मैं तो सैटिस्फाइड। शुक्रिया बड़े भाई।